नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के आतंक में जी रहा है, विभिन्न क्षेत्र में चिकित्सक इसका सही इलाज ढूंढने में व्यर्थ हो रहे हैं, तो इसी दौरान विश्व के साथ संगति रखते हुए बालाघाटी के तीनों जिले में लोगों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। भारत सरकार भी इस क्षेत्र में अहम कदम उठा रही है। कई सिनेमा हॉल तथा जनसभा आयोजित किए जाने को लेकर पाबंदियां लगाई गई है। बाजार व दूसरे जनबहुल क्षेत्र में हर प्रकार की गतिविधि को बंद कर दिया गया है, तो इसी दौरान देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान उभर कर सामने आया है। चाहे इसे BSF कहिए या फिर सीमांत क्षेत्र के पुलिसकर्मी कहिए या फिर सरकार, कछार जिले के साथ साथ बालाघाटी के विभिन्न क्षेत्र में अक्सर घुसपैठियों की घुसपैठ हो जाती है और लोग पकड़ में आते हैं। कुछ ऐसे ही वारदात के चलते बालाघाटी के करीमगंज जिले के चुराईबाड़ी क्षेत्र में दो नाइजेरियन नागरिकों को चुराईबाड़ी थाने के OC मिंटू सिंह ने गिरफ्तार किया। सूत्र के अनुसार AS01JC8052 नंबर के अगरतला से गुवाहाटी जाने के दौरान एक नाइट सुपर में दो नाइजेरियन लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम चिनेंदु 30 वर्षीय बताया जा रहा है और कानू किंग्सले जिसका उम्र 32 साल बताया जा रहा है। बांग्लादेश से त्रिपुरा और त्रिपुरा से असम घुसपैठ के दौरान गुवाहाटी जाने के उद्देश्य को सामने रख जब ये लोग अगरतला क्षेत्र से नाइट सुपर में चढ़कर गुवाहाटी जा रहे थे, तो चुराईबाड़ी पुलिस ने छानबीन के दौरान इन दोनों को धर दबोचा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चुराईबाड़ी थाने के OC मिंटू सिंह ने विस्तारित तथ्य उजागर किया, लेकिन अहम सवाल यह है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे सीमांतवर्ती क्षेत्र में जहां सील कर दिया गया है, तो इस क्षेत्र में कैसे घुसपैठी भारतवर्ष में यानी असम के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यहां पर त्रिपुरा यानी अगरतला सीमांतवर्ती क्षेत्र में BSF की भूमिका पर सवालिया निशान है, तो वहीं दूसरी ओर भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में BSF की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग रहा है। पूरे विश्व जहां कोरोना वायरस के आतंक में जूझ रहा है, तो इसी दौरान किसी विदेशी लोगों की गैर जिम्मेदाराना घुसपैठ सुरक्षा व्यवस्था पर हिंदू ने एक करारा तमाचा लगाने में समर्थ हुआ है और लोगों को और भी जागरूक होने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवालिया निशान दागने में कामयाब रहा है। নাইজেরিয়ার এই নাইট নাকা চেকিং হয়েছিল, আর এই নাকা চেকিং করার সময় ইয়ের থেকে একটা নাইট সুপার, তার নাম্বার হইল AS01JC8052। এই সুপারটা যখন নাকা ডিউটি পারছে যখন আটকেছে, আটকানোর পরে এটা যখন এটার থেকে দুজন মানুষ নামিয়া যেতে পলাইয়া যেতে আসলো, তখন এই মানুষগুলোকে আমরা ধরছি, ধরিয়া তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। হ্যাঁ, তারা বলছে যে নাইজেরিয়া দিয়ে তাদের সঙ্গে একটা নাইজেরিয়ার ID প্রুফও পাওয়া গেছে এবং একটা পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, এই পাসপোর্টটা বাংলাদেশ পর্যন্ত তারা আসার, আর ওরাও কইছে যে ওরা নাইজেরিয়ার থেকে বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা হয়ে ত্রিপুরা ধর্মনগর এই সুপারে উঠছে, তারা গুয়াহাটির দিকে যাওয়াতে ছিল। আর তারারই এখন বর্তমানে যে ফরেনার্সের মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাসের ইয়ে থাকে, এইটার লেগে আমরা করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালে অ্যাম্বুলেন্স আসার পরে নিয়ে যাইমু টেস্ট করার লাগে,
আর এরপরে তাদের তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাদের ইনস্টে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওদের কাছে আর কোনো কিছু পাওয়া গেছে কি? তাদের সঙ্গে একটা ফ্লাইটের টিকিটও পাওয়া গেছে নাইজেরিয়ার থেকে যে বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ ঢাকা, এটা জেট ফ্লাইটের। আর এমনি কয়েকটা সিম পাওয়া গেছে, মোবাইলের সিম পাওয়া গেছে, আর দুইটা মোবাইল আছে, এগুলো আমরা সব বিয়ে করা হয়েছে। তোরা দুইজনের নামটা কি? তারা নামটা দেখুন ঠিক মতো উচ্চারণ করা যায় না, একটা কিউ সি কি কইছে, আর একটা এমএনসি, এরকম নাম তারা ইয়ে করে কইছে। তারা নামের ইংলিশগুলো ঠিক ওয়ার্ল্ড ইয়ে নাই, আর তারা ভালো করে ইংলিশও বুঝে না। হ্যাঁ, তারা এই কারণে মানে আমরা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে।